हाय गाइस, आज मैं हूँ सिद्धि विनायक हॉस्पिटल में और आज आपके लिए दिखाऊंगा कि किस प्रकार का हॉस्पिटल है, क्या क्या इसमें सुविधा अवेलेबल है। पूरा शॉर्ट वीडियो देखें। फाइनली गाइस, आप ये देख रहे हो, यह है बरेली का नंबर वन सिद्धि विनायक हॉस्पिटल। हड्डी के मामले में नंबर वन हॉस्पिटल है। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई हड्डी सही, यहाँ पर आप ले आइए, यहाँ पर इंसान चलने लगेगा। और अब मैं आपके लिए लेकर चलता हूँ अंदर, अंत कर दिखाता हूँ पूरा नज़ारा कि क्या क्या यहाँ पे फैसिलिटी दी जाती है मरीज़ के लिए, कि किस प्रकार का पूरा हॉस्पिटल बना हुआ। आप देख सकते हो कितनी ढेर सारी सफाई है यहाँ पे बनी हुई है और इधर साइड से पड़ी हुई है स्ट्रेचर जो मैं आपके लिए दिखा रहा हूँ, और एक गाड़ी खड़ी हुई है ऑक्सीजन की सामने, देख सकते हो आप। और इधर साइड चल रहा है हाईवे और है सामने बैंक एक SBI की, जूम से करके दिखा रहा हूँ आपको। इधर साइड से लेटे हुए हैं मरीज, देख सकते हो। यहाँ पे सब टोटल बताया हड्डियों वाले मरीज आते हैं, क्योंकि यहाँ के डॉक्टर काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, काफ़ी अच्छे हैं इनकी सुविधा। और मैं आपके लिए पूरा शॉर्ट में कि पूरा बायोडाटा दिखाऊंगा। और इधर से लगी हुई है भीड़, यानी कि दवा के लिए आप ले सकते हो यहाँ पे अपने मरीज़ के लिए। और एक्स्ट्रा मैं आया हुआ हूँ बरेली में, क्योंकि मेरे मॉम का यार पैर फ्रैक्चर हो गया, इसलिए आना पड़ा है हॉस्पिटल। और मैं दिखाता हूँ यहाँ के रूम्स किस प्रकार हैं। पहले गाइस, पता हमारे लिए इनकी रूम एक मिल चुका है, और इस टाइम मैं बैठा हुआ हूँ रूम के अंदर और दिखाता हूँ कि क्या क्या फैसिलिटी दी गई है रूम के अंदर। फैमिली गाइस, ये है रूम जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है बेड पड़ा हुआ है और यहाँ पे मैं बैठा हूँ, देख सकते हो। एक फ़ैन लगा हुआ है इसमें, और इधर शर्ट से पड़ी हुई खाट, देख सकते हो आप। और इसमें एक AC भी है, विंडो AC दी गई है यहाँ पर मरीज़ के लिए। और इधर शर्ट से है वॉश बेसन लगा हुआ है, आप सिंक है, मुँह हाथ धो सकते हो। और यहाँ पे बैग वैग रखने के लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, यहाँ पे एक इंसान लेट सकता है अच्छे से। जो मैं दिखा रहा हूँ आपके लिए पूरा, ये एक रूम है यहाँ का सिद्धि विनायक हॉस्पिटल का। और ऐसा भाई किसी ने भी नहीं दिखाया ये शॉर्ट ऐसा वीडियो जो मैं आपके लिए दिखा रहा हूँ, इसीलिए आप यहाँ पे किसी प्रकार के लिए कोई भी हड्डी की कोई दिक्कत हो तो यहाँ पे आप आ सकते हो। और काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर और काफ़ी साफ़ सफाई की देख रेख है यहाँ पे सिद्धि विनायक हॉस्पिटल में। और जाना माना अस्पताल है, सभी लोगों ने सुना होगा सिद्धि विनायक हॉस्पिटल। और यहाँ के डॉक्टर और सारे लोग भी काफ़ी इंटेलिजेंट हैं। और यहाँ पे एक बना हुआ है दवाखाना यहाँ पे इमरजेंसी वाला, और घुमा के दिखा रहा हूँ क्योंकि यह है नाइट का टाइम है, उस टाइम हो चुकी है रात जो मैं आपके लिए शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ। उस टाइम भाई चल रहा है मेरे मॉम का ऑपरेशन पैर का, इसलिए बैठा हूँ भाई अकेला। और आप सभी लोग भाई दुआ करो कि मेरी मॉम का पैर जल्द से जल्दी ठीक हो जाए, यार काफ़ी बुरा फील हो रहा है मुझे, अच्छा नहीं लग रहा। फाइनली गैस, पता मैं आ चुका हूँ नीचे वाले डिपार्टमेंट में। इसी डिपार्टमेंट में तो पूरा लेखा जोखा का काम चलता है कि किस कितनी मरीज आए, कितनी क्या क्या हुआ। फाइनली गैस, पता मैं आ गया हूँ ऊपर, ऊपर का दिखा रहा हूँ पूरा व्यू, क्योंकि यहाँ पे वॉशिंग मशीन रखी हुई है कपड़े धोने वाली, और यहाँ पे कुछ ACs लगी हुई हैं जो कपड़े सुखाने के लिए और नीचे ठंडक लेने के लिए। ये सामने एक सिलेंडर रखा हुआ है जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। कुछ लोग मरीज के साथ आते हैं तो सोचते हैं भाई कहाँ पे फ्रेश हों, कहाँ पे जाएं फ्रेश होने के लिए, तो आप सबसे ऊपर वाली मंजिल पा सकते हो। यहाँ पे 3 लेटरिन अवेलेबल हैं और नहाने के लिए भी अच्छी खासी व्यवस्था है, यहाँ पे पूरा अच्छी तरीके से फ्रेश हो सकते हो। और आपको मिलवाते हैं आप डॉक्टर साहब से, पूरा शॉर्ट वीडियो देखें आप। पहले गई सब देख सकते हो, ये हैं डॉक्टर साहब सिद्धि विनायक हॉस्पिटल के जाने माने, काफ़ी इंटेलिजेंट डॉक्टर साहब हैं ये, और इनके प्रवचन सुनिए क्या कह रहे हैं। आपका जो पेशेंट है आपको जो सिखा रहा है वो जीवन भर के लिए सिखा रहा है। एक पेशेंट से गलती करेंगे तो आप पूरे जीवन भर आप वो गलती दोबारा नहीं करेंगे। एक पेशेंट आपका अगर कुछ खराब होता है तो पूरे जीवन भर आप याद रखेंगे क्या हुआ। आपके लिए जरूर जानकारी पसंद आई होगी, और आप जल्दी से कमेंट करिए और सल्लू बिल से आल ब्लॉक चैनल के लिए सभी लोग सब्सक्राइब करें।